भाई यार आजकल के गानों में वो बात ही नहीं रही यार। सही कह रहा है यार, अब वो ना पहले वाला क्रेज नहीं बचा भाई। तो क्रेज तो आप जानते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं राजा यो हनी सिंह की। हनी सिंह का टाइम पे होता था। सही में यार भाई, उसके गाने छोड़, उसके बालों को कितने लोग कॉपी करते थे भाई। वो बचपन में वो बाल खड़े करते थे, वो सेट वेट के जेल से स्पाइक स्पाइक और बोलते थे हनी सिंह जैसे बाल रखने हैं। सिंह जैसे बाल रखना तुम लोग नहीं, पूरा इंडिया का फैशन था। भाई कम से कम उस टाइम पे गाने हमारे लिए तो बनते थे, आजकल तो सिर्फ रील पे ट्रेंड कराने के लिए बनते हैं गाने भाई। सही में यार, उस टाइम पे याद है तेरे को कैसे वो बटन वाले फोन होते थे और ब्लूटूथ से पूरी पूरी एल्बम शेयर करते थे हम हनी सिंह की। भाई इसमें हनी सिंह की न्यू एल्बम ब्लूटूथ करते यार। भाई और कुछ याद ना हो, उसके रैप मुंह जुबानी याद है मेरे को। भाई सेम देखेगी सास बहू और दूरदर्शन। बादशाह और रफ्तार नाम के दो कुत्ते हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले हनी सिंह को शो पे रोस्ट किया था। बता दो ना क्या किसका कमबैक नहीं हो रहा। अबे तुम क्या रोस्ट करोगे यार उसको, तुम जब चड्डियों में खेलते थे ना उस टाइम पे 2G के जमाने में इंटरनेट गिरा देता था ये बंदा। और इसका अभी का गाना सुना है। अगर आपकी बेटी हुई, अगर आपकी बेटी को कोई लड़का आप ही के ये गाने लिखे हुए डेडिकेट करता तो कैसा लगेगा। बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल जरा भी बुरा नहीं लगेगा। मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, इनफैक्ट वो शायद ये बोलेगी कि यार लोग ये जो तू सुना रहा है ना ये मेरे बाप ने लिखे, चल कुछ नया सुना।